झारखंड वासी महाराष्ट्र युवा मंच द्वारा मीरा रोड में जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन बड़े ही शानदार तरीके से डॉक्टर संजीव नायक के हाथों फीता काट कर किया गया। इस मौके पर एनसीपी नेता साजिद पटेल, अनिल साबले सहित कई नेता और समाज सेवक इस मौके पर उपस्थित हुए और सभी ने फारूक अंसारी को शुभकामनाएं दी और उन्हें हर कदम पर मदद करने की आश्वासन भी दी गई। झारखंड ये ऐसा इलाका है कि जहाँ तर आप देखेंगे कि लोगों को दिक्कतें हैं, वहाँ करके लोग अपना स्टेट छोड़ के मुंबई सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी हम सोच रहे थे कि झारखंड इतने सालों में बदला होगा और हम चाह रहे हैं कि बदलना चाहिए, लेकिन जब तक वो समय नहीं आ रहा है तब तक महाराष्ट्र जो है, जिसके नाम में ही महाराष्ट्र है, वही महाराष्ट्र सभी लोगों को आज तक अपने साथ लेकर आगे बढ़ा है। मैं फारूकी भाई और उनके पूरे टीम को शुभकामनाएं दूंगा कि बहुत अच्छे विचारधारा के साथ आप जुड़ी है। ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये समाज है। समाज में हर धर्म, जात, भाषा, प्रांत को लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए और सभी जितने, क्योंकि मेरा भाईंदर में अलग अलग झारखंड के लोगों की अलग अलग संस्थाएँ हैं, वो एक सब एक मंच पर आने चाहिए। देखिए, जब आपकी ताकत दिखानी है तो आपको सबको एक साथ आना पड़ेगा और जब एक साथ आते हैं तो पता चलता है कि भाई झारखंड के इतने लोग, हमारी कमेटियाँ है, वो सब लोग आगे बढ़ेंगी और युवा साथी जब तक नहीं जुड़ते हैं, युवा लोग ये ताकत होती है, बैकबोन कहते हैं, वो हर पार्टी का होता है। तो इस समय में हम समझ रहे हैं कि बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको इसमें और तब्दीली दिखेगी और पार्टी और मजबूत की ओर हो जाएगी। ये तो सर एक्चुअली हमारा बिजनेस कार्यालय है, लेकिन हम 2006 में मैं और मेरे मित्र गणेश मेहर नाम के हमारे दोस्त हैं, हम दोनों ने इस संगठन का नींव रखा। हम लोग को एहसास हुआ था कि हम झारखंड वासियों का कोई ना कोई एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके जरिए लोगों को जोड़ा जाए। जब हम सबसे पहले जुड़ेंगे तो ही कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारा संगठन का हमने नाम नारा दिया था, एक बनो और नेक बनो, स्लोगन है हमारा संगठन का। और आज इस संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पूरी मुंबई में 30 शाखा चला रहे हैं, अलग अलग जगह पे हमारे शाखाएं हैं। और जब मैं मीरा रोड आया तो मुझे इस चीज़ का पता चला कि यहाँ पे लोग हज़ारों की संख्या में झारखंड के लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक दूसरे को पहचानते तक नहीं। इसलिए हम उस दिन से इसका प्रयास कर रहे थे कि मैं एक ऐसा कार्यालय खोलूं जिसमें हमारा बिजनेस भी हो और हम झारखंड वाले लोग एक जगह पे कम से कम जिस दिन टाइम मिले तो एक बैठक हो, ताकि आगे की फ्यूचर प्लानिंग करें। और जो हम लोग झारखंड से आने के बाद मुंबई में आए तो छोटे मोटे काम कर रहे थे, छोटे छोटे रोजगार कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को भी वही दिन देखना पड़े। इसलिए इसी के साथ में हम लोग ने काम करना चालू किया कि मैं अगर रिक्शा चलाया तो मुझे, मेरे बच्चे को चलाना नहीं पड़े, मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। और वो तब हो सकता है जब हम एक यूनिटी में रहेंगे। हमारे झारखंड से बहुत से हमारे पास केसेस आते रहते हैं, कैंसर पीड़ित का, ये बहुत सारे बीमारियाँ कहा जाते हैं, और हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि हम लोगों को हेल्प कर सके, ना राजनीतिक हम लोग के पास सोर्सेस थे और ना हम लोग इतने कैपेबल हैं कि लोगों को हम सेवा दे सकें। इसलिए ये संस्था के माध्यम से हम लोग ने लोगों को सेवा दे रहे एक यूनिटी के रूप में। और इसीलिए, और ये झारखंड नहीं, हम महाराष्ट्र के लोगों को भी सेवा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग ने संस्था का नाम ही रखा है झारखंड वासी महाराष्ट्र युवा मंच, यानी हम झारखंड के हैं और महाराष्ट्र मेरी मौसी है, तो हम दोनों को लेके चलना चाहते हैं। वो मेरी जन्मभूमि था और महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि ने बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ, मेरे बच्चे लोग हमारे महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं, तो हम झारखंड के भी हैं और महाराष्ट्र के भी हैं। हम दोनों कल्चर को लेके यहाँ पे हम अपने झारखंड, बिहार, यूपी के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, सबके साथ कंधे से कंधे मिला के हम भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी झारखंड से हैं। जिसको आप पहाड़ का प्रदेश कहते हो, हम पहाड़ी नहीं हैं, हम भी अच्छे लोग हैं। आप अपने कल्चर में शामिल कीजिए, हम आपके साथ में मिल जाएंगे। ये हमारी सोच है
और इसी के साथ हम काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मीरा रोड में जितने झारखंड बिहार के लोग हैं, इस कार्यालय के जरिए मैं समय दूंगा, और हमारी टीम है जिसमें टीपी यादव जी है, आज हमारे राजू भाई है, हम लोग 2002 से अनिल सालवे जी जैसे दोस्त मिले, ये सोनी जी हैं, ये माने साहब हमारे दोस्त हैं, ये अजय जी है, ऐसे हमारे झारखंड के बहुत सारे लोग हैं। लेकिन काम करने के लिए लोग को सबको चाहता है कि हम काम करेंगे, लेकिन काम करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया है कि ताकि यहाँ से हम लोगों को अच्छी मार्गदर्शन देखते हुए हम लोगों को जोड़े और अच्छा समाज में कैसे रहना चाहिए, अपने मराठी भाई के साथ कैसे विश्वास में लेना चाहिए, कोई मुझे गाली क्यों दे, अगर हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो यहाँ की शिष्टाचार को समझना चाहिए, यहाँ का कल्चर में कैसे मिलना चाहिए, ये सब चीज़ लोगों को समझाएंगे और हम कंधे से कंधे मिला के महाराष्ट्र और झारखंड का विकास करेंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो, फारूक भाई को मुबारकबाद दूंगा इस ऑफिस के लिए। फारूक भाई मेरा बहुत पुराने मित्र हैं, हम एक साथ में जूल पर रहते थे, और फारूक भाई शुरू से ही जिस लेवल पे रहे उस लेवल पे लोगों को सहयोग करते रहे, चाहे वो छोटा मोटा धंधा व्यापार के लिए हो, महानगर पालिका की सपोर्ट हो, पुलिस चौकी में कहीं जाना हो, मुझे मालूम है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि इन्होंने रात रात भर लोगों के लिए चौकी में इधर उधर भागना, उनकी सेवा करना, कभी जब भी किसी को तकलीफ हुआ, गरीबों के लिए इन्होंने दौड़ा है, इन्होंने सहयोग बहुत दिनों से करते आए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से लेकर हो या किसी भी चीज़ का हो। फारूक भाई की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हर वर्ग का लोगों को, चाहे वो किसी भी समाज से हो, इनके अंदर में एक ही मैंने खासियत देखा हूँ कि इन्होंने कभी समाज को अलग अलग नज़रिया से देख के नहीं चले। इनके अंदर एक ही चीज़ मैं देखा हूँ, चाहे वो मराठी हो या मद्रासी हो या किसी भी वो प्रांत के हो, इनके पास लोग आए, इन्होंने अपना समझ के बस एक ही चीज़ देखे कि इनको ज़रूरत क्या है और मैं इनकी मदद क्या कर सकता हूँ। अभी ये हमारे नेता संजू नायक साहब ने जैसे बताया, फारूक भाई का तो मेन मतलब कार्य बारला में था, बॉम्बे साइड में था, अभी वो इधर के हमारे रहवासी है, हमारे सहकारी है। मैं उनको मतलब ये कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने जो इधर से प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है, जैसे कि झारखंड वासियों को एक साथ में लेके आना, उनको एकजुट करना और उनके साथ में काम करना, क्योंकि यहाँ पे झारखंड का वासियों का दो तीन संगठन है, एक दो संगठन पहले से ही है, लेकिन मैंने उनको कभी ऐसा देखा नहीं कि बड़े पैमाने से कोई प्रोग्राम हो, कोई कल्चरल हो या एजुकेशन हो। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि फारूक भाई ये सब कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मैं यहाँ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, और मेरी तरफ से ये मेरे यहाँ के स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष है अनिल शेलार करके, हम लोग इतना ये करेंगे कि पूरा जितना भी हमारे थ्रू से जितना भी सपोर्ट चाहिए, जैसे मौसी और हम लोगों का जो दर्जा है वो माय मौसी वो कंटिन्यू रहेगा, और हमारा हम लोग इतना आपको ये बोलते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग एक साथ में काम करेंगे। भले हम लोग ऐसा नहीं है कि झारखंड के हैं और हम लोग महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि संजीव नायक साहब ने अभी अभी आपको बताया, क्योंकि मीरा भाईंदर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनको कोई एकजुट करने वाला नहीं है, जो चेहरा ये अपने झारखंड वासियों के हिसाब से, जैसे टीपी यादव जी है, राजू भाई है, इनके माध्यम से जो मिले हैं वो ये मुझे लगता है कि आगे सक्सेस करेंगे, क्योंकि सामने अभी बताया था ये तो झांकी है और कुछ भी बाकी है, बहुत सारा कुछ बाकी है। फारूक भाई के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि फारूक भाई मेरे फार नज़ीक के दोस्त हैं, इसके लिए फारूक भाई ने जो कार्यालय खोला है उसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। जैसे फारूक भाई पारला से यहाँ मीरा रोड में आए, ऐसे मैं मालाड़ से मीरा रोड आया, तब से हमारी दोस्ती बनी। दोस्ती बनने के बाद और कुछ काम किए हम लोग ने, बहुत से सारा काम किए, एक में को जुड़ाने का काम किए, सबको मिलाने का भी काम किए, काम भी जो उद्देश्य है वो भी करवा दिए। इनके झारखंड वासी का जैसे है वैसा महाराष्ट्र संगठन का मेरा भी कार्यालय है, माली संगठन का चालू है मेरा, ऐसे इनका है, तो हम लोग एक साथ में जुट के काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में एकदम फर्स्ट क्लास मीरा रोड में हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे हम सोचते हैं कि शांति, यानी ये करने का हम ये काम कर रहे हैं।